हेलो फ्रेंड्स, आप सबका प्रमुख पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, लोगों का डिमांड है कि सर बेहोश करने का टेक्निक बनाइए, मार्शल आर्ट में ऐसा टेक्निक बताइए जिसमें एक ही अटैक में दुश्मन को कैसे बेहोश किया जा सकता है। तो दोस्तों, बेहोश करना तो आसान है, कोई भी किसी को मार के बेहोश कर सकता है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं बेहोश करने के बाद उसे होश में कैसे लाते हैं। ये काफी पॉपुलर वीडियोस हुआ है, टेक्निक आप देखें, आप तो मेरे YouTube पे आपने देखा, इस चैनल पे कई वीडियोस डाले हुए हैं बेहोश करना और उसे फिर होश में लाना। तो आज फिर मैं व्यूअर्स के डिमांड पर कि दुश्मन को कैसे बेहोश करते हैं, किस जगह पे अटैक करते हैं, दुश्मन बेहोश होता है फिर उसे होश में कैसे लाते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। काफी मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है, क्योंकि ये टेक्निक जो है बॉडी का वीक पॉइंट्स पे अटैक करना बताया जाता है, फिर होश में लाने के लिए भी कि इस नर्व को दबाते हैं कि वो फिर होश में आता है। सावधानी से देखिए, यदि दुश्मन अटैक करता है तो ऐसा ब्लॉक करते हैं और हीट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रिब्स का इस पॉइंट पे, और यहाँ पे देखिए नर्वस पॉइंट है यहाँ, तो इससे यहाँ पे अटैक होता है और ये रिब्स यहाँ पे अटैक करते हैं। ये काफी नाजुक जगह है, ऐसा कस के मारते हैं तो दर्द होता है, और ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप इससे अटैक करते हैं तो दुश्मन बेहोश हो जाता है। अटैक मारिए, ये सिंगल शॉट होगा क्योंकि ये बार बार बेहोश करके नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपके हाथ में भी पावर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि शरीर का कौन सा वीक पॉइंट है। नर्वस सिस्टम को देखना है, आपको समझना है कि बॉडी का वीक पॉइंट कहाँ पे है, ताकि आप अटैक करें एक साथ दोनों जगह पे। तो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है इसलिए काफी पावरफुल होता है, काफी इफेक्टिव होता है। जैसे कोई दुश्मन ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपको जानना होगा कि पूरे बॉडी में 550 वीक पॉइंट्स हैं, जहां पे दुश्मन को अटैक करके बेहोश किया जा सकता है, लेकिन उसे होश में लाने के लिए आपको किसी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट का, जो गुरु हैं जिन्हें इनकी जानकारी है नर्वस सिस्टम्स के बारे में, उनके पास कई सालों तक ट्रेनिंग लेना होगा। जब आप इसे अच्छी तरह से सीख जाते तब फिर इस टेक्निक का अप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा वीडियो देख करके दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काफी खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में वीडियो जाए, जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं घर बैठे, कई जगहों पे ऐसा जहां ट्रेनिंग सेंटर नहीं मार्शल आर्ट का, तो आप घर बैठे मेरा वीडियो देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बनिए, दुश्मनों को सबक सिखाइए। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।